हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। कक्षा पाँचवीं के पाठ एक में अमर शहीदों का चारण, जिसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल जी, इनके द्वारा देश के वीर शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये कविता लिखी गई है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वो बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा, माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, मैं उसे चुकाया करता हूँ। आइए इस कविता का अर्थ हम समझने का प्रयास करें। पाठ में हमें बताया है और लिखा है कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मैं अमर, अमर किसको बोलते हैं? जो कभी न मरे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान है क्या जो कभी न मरे? तो ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ अमर रह सके। लेकिन क्या अमर रहता है भाई? अच्छे कर्म अमर रहते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उनके नाम सदियों तक या जब तक यह सृष्टि है तब तक जो है उनका नाम लिया जाता है। जैसे हम नाम लेते हैं श्री कृष्ण जी का, राम जी का, हनुमान जी का, है कि नहीं? भगवान के रूप में उन्होंने भी धरती पर अवतार लिया है, अच्छे आचरण किए हैं तो उनका नाम आज भी चलता है। वैसे ही हमारे भारत देश की जब बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो अच्छे कर्म जो है अमर रहते हैं। शरीर तो नश्वर होता है, शरीर जो है मिट जाता है, लेकिन उनके कर्म जो है कभी नहीं मिटते हैं। तो यहाँ पर कहा गया मैं अमर शहीदों का चारण। अब ये शहीद किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं शहीद? जो देश के लिए मर मिटे, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए
अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, अपने प्राणों की बलि दे दे, वो क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है। तो कवि कहते हैं कि मैं उन शहीदों का चारण यानी उनके उनकी कविता लिखता हूँ, मैं उनके यश गाया करता हूँ, उन्हीं के गौरव को मैं गाता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। और चूंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी तब जाकर भारत देश स्वतंत्र हुआ। बच्चों आप लोगों को याद रखना चाहिए कि भारत देश कई वर्षों तक अंग्रेजों के, तो कभी मुसलमानों के, फ्रांसीसियों के, डच के, कई प्रकार के जो है आक्रमणकारी जो है हमारे भारत देश को गुलाम बना के रखे थे। और मैं जब आज की परिस्थिति को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में यदि वो सब घटनाएं होती तो हम जो है कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते। क्यों आज़ाद नहीं हो पाते भाई? क्योंकि आज तो हम कैसे हैं, स्वार्थी हैं। हम अपने, केवल अपना और अपने ऊपर बीतने वाले समस्याओं के बारे में ही सोचते हैं। हम में से बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरों के ऊपर कुछ समस्या हो तो उनका साथ दे। यदि आज की परिस्थिति में होता तो भारत देश का क्या होता, ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। तो उस समय लोग जो है भारत माता के लिए मरमिटने वाले थे, वो जोश था, जज्बा था और समर्पण की भावना थी, वो आज भी हमको लानी है। तो कभी कहते हैं कि जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज उन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया तब जाके हमको ये सुख शांति का माहौल मिला है, आज़ादी का माहौल मिला है, स्वतंत्रता हमको मिली है। तो इस कविता के माध्यम से मैं उस कर्ज को चुकाता हूँ। और कहते हैं कि यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, और यह सच है याद शहीदों की, आज जो है उन शहीदों को हम भूल गए हैं, जिन लोगों के लहू से हमको ये आज़ादी मिली है लोग उसको जानते तक नहीं है, भूल गए हैं। तो उसी को कहा गया है कि यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। दफनाना का मतलब क्या होता है? गाड़ देना, मिट्टी में दबा देना। मिट्टी में दबा दिया यानी कौन जानेगा भाई उसको? कोई चीज़ हमारे पास है उसको सामने में रखेंगे, सजा कर रखेंगे तब कोई जानेगा, और यदि हम उसको मिट्टी में दबा देंगे जानेगा क्या? नहीं, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो आज हमारे लोग, स्वार्थी लोग ऐसी कर रहे हैं कि हमारे शहीदों को भूल गए हैं। तो उसी को कवि जी ने लिखा है यहाँ पर कि यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने क्या कर दी है, दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। और ये जो आज़ादी हम लोग पाए हैं वो कहाँ कहाँ से मिली है, उसका रास्ता कहाँ कौन सा था? तो उसका रास्ता क्या था? उनकी लाशें, उनकी मौत ही जो है, उन्होंने जो अपने प्राणों की बलि दी है उसी से हमको आज़ादी मिल पाई थी। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। उन गाथाओं से और उनकी ही इस कहानियों से, उनकी इन बातों को मैं बार बार बोलकर ही जो आज के नौजवान जिनके खून क्या हो गए हैं, सर्द हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, ऐसे लोगों की खूनों को मैं क्या करता हूँ, गरमाया करता हूँ। मतलब क्या है? जोश भरने का काम मैं करता हूँ, ओझ भरने का काम करता हूँ। जो लोग भूल गए हैं धरती माता को, देश को भूल गए हैं, भारत माता को भूल गए हैं, ऐसे लोगों को मैं कहानी सुनाकर, गीत सुनाकर जो है उनकी कहानियां बताकर क्या करता हूँ, उनको उनमें मैं नया जोश भरता हूँ। मैं अमर शहीदों का आचरण, मैं ऐसे लोगों की जो है कविता सुनाता हूँ, यश गान करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ, उनका ऐसे शहीदों का, वीर लोगों का, जहाँ पर रक्त का एक बूंद भी गिरता है ना, वो क्या कहलाता है? वो ठौर, ठौर का मतलब जगह, तीर्थ कहलाते हैं। जैसे आज हम जो है देवी देवताओं के बड़े बड़े तीर्थ हैं, लोग उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा ही ठौर का मतलब स्थान, तीर्थ यानी तीर्थ स्थान, जिसको लोग जो है पूजते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहाँ जाकर लोगों को अच्छा लगता है। जैसे आजकल जो है भगवान के तीर्थ हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, वहाँ लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो वैसे ही जो हमारे शहीद के रक्त की बूंदें गिरती हैं, वो स्थान भी जो है क्या कहलाता है? तीर्थ कहलाता है। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। जिस प्रकार रक्त बीज
का खून जो है गिरता था, जितना भी खून टपकता था उतने नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। उसी प्रकार ये जो हमारे शहीद हैं, जो भारत माता के देशभक्त हैं, वो भी जो है अपने आचरण से नई फसल दे जाते हैं, लोगों को जो है देशभक्त बनना सिखाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ। और ये जो धर्म है, कौन सा धर्म है भाई? देशभक्ति का धर्म है। और कर्म क्या है? देशभक्ति के लिए, देश के लिए मन मिटना, देश की सेवा करना, देश के लोगों की रक्षा करना। और इस बात को, मर्म को मैं सबको समझाता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण में उनके यश गाया करता हूँ, मैं ऐसे वीर शहीदों का ही गुणगान करने वाला कवि हूँ और उनके यश को मैं। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। वो अगर नहीं होते, जो देशभक्त जो पुराने उस समय में थे, जिन्होंने अपने प्राणों की, अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा और देश के लिए बलिदान हो गए, वो अगर ना होते तो भारत क्या होता? मुर्दों का देश कहा जाता। कोई जो है अंग्रेजों का सामना नहीं करता तो क्या होता? लोग जो है भारत को मुर्दों का देश ही कहते हैं। मुर्दे यानी जो कुछ ना कर सके, वही मुर्दा है। जब लोग मर जाते हैं तो मुर्दे कहलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता, चल फिर नहीं सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ना सोच समझ सकता है। तो वैसे ही यदि नहीं करते तो भारत भी जो है मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। और उस परिस्थिति में भारत देश, ऐसे देश में हम जो है जीवन जी भी नहीं सकते, वो जीवन हमारे लिए बोझा के समान हो जाता। इस पीढ़ी में, उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। और मैं जो है इस पीढ़ी के लोग जो कि खाली मोबाइल और टीवी में चिपके हुए हैं, टेक्नोलॉजी में चिपके हुए हैं, देशभक्ति गायब हो गई है, पड़ोसी को नहीं जानता, ऐसी स्थिति में मैं जो है उस भाव को जगाया करता हूँ, उनकी बातों को सुना सुना के जो है लोगों में देशभक्ति की भावना जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनका यश गाया करता हूँ, मैं ऐसे देशभक्तों का गीत गाने वाला कवि हूँ और मैं उनके यश को गाता हूँ, गौरव को गाता हूँ, सुनाता हूँ। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथी से कौन लगाएगा। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात कवि महोदय ने लिखी है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग यदि पूजे न गए शहीद तो फिर, जो देश के लिए मर मिटने वाले लोगों को हम यदि भूल जाते हैं, उनकी याद नहीं करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, नए ऐसा कौन पैदा होगा जो उनकी तरह काम करना चाहेगा। यदि हम उनको सम्मान देंगे तभी तो लोग चाहेंगे ना भाई कि मैं भी देशभक्त बनूं। क्यों लोग फौजी बनना चाहते हैं भाई? क्योंकि उनका सम्मान होता है, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तिरंगे में लिपटा के जो है उनको, उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यदि हम शहीदों को, फौजियों को, देश की रक्षा करने वाले लोगों को और अच्छे लोगों को यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो नए अच्छे लोग कहाँ से आएगा? यही है, वह बीज कहाँ से आएगा? फिर हम कैसे अच्छे लोग पैदा कर पाएंगे? और धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? हम क्या बोलते हैं? धरती को माँ कहते हैं ना, धरती को माँ कहकर मिट्टी को हम तिलक लगाते हैं, तिलक के रूप में जो है लगाते हैं। और यदि हम ऐसे लोगों की इज्जत ना कर पाए तो कौन जो है धरती माता की इज्जत करेगा? मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मुझसे चुकाया करता हूँ। मैं प्रत्येक चौराहे पर क्या करता हूँ, ये प्रश्न को उठाया करता हूँ, बताता हूँ लोगों की समस्याओं को, बताता हूँ और क्या करता हूँ, लोगों को जगाता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज, जो देशवासी हैं वो खाली स्वतंत्रता के जीवन जी रहे हैं लेकिन लोगों को, पुराने लोगों को भूल रहे हैं, शहीदों को भूल रहे हैं, ऐसे में मैं ये कविता के माध्यम से उनके कर्ज को चुकाने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और जिन साथियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।